हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं सितंबर मंथ का 9th सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर के एग्ज़ाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 56 टॉपिक हम प्रीवियस 8th सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम देखेंगे रेड ईयर स्लाइडर टर्टल के बारे में, देन हम बात करेंगे प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के बारे में, देन हम चर्चा करेंगे एसडीआई रिपोर्ट के बारे में, एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक मैप बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आज हम पर्शियन गल्फ के बारे में चर्चा करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आज हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है रेड ईयर स्लाइडर टर्टल के बारे में, जिसमें आपके सामने तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो रेड ईयर स्लाइडर टर्टल है वह नेटिव है इंडिया का। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इन इंडिया इंडिजीनियस जो टर्टल होते हैं उनको पेट्स के रूप में प्रॉफिट है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। जो इन्वेसिव रेड ईयर स्लाइडर टर्टल है वह मेजर थ्रेट बन चुकी है बायोडाइवर्सिटी ऑफ वाटर बॉडीज़ के लिए अक्रॉस द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो सेकेंड एंड जो थर्ड स्टेटमेंट है वह करेक्ट है, जबकि जो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2 and 3 ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये स्पीसीज है नेटिव है इंडिया की, ये नेटिव नहीं है इंडिया की बल्कि ये नेटिव है साउथ ईस्टर्न यूएसए एंड मैक्सिको की। इसके अलावा इसके बारे में अन्य फैक्ट्स भी देख लेते हैं। अभी जो रिसेंटली स्टडी हुई उसने हाईलाइट किया कि ये इन्वेसिव साउथ रेड ईयर स्लाइडर टर्टल है वह इंडियन बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट बन चुका है। रेड ईयर स्लाइडर टर्टल को आप ये देख सकते हैं इस पिक्चर में। रेड ईयर जो स्लाइडर टर्टल है उसके बारे में जान लेते हैं। ये नेटिव है साउथ ईस्टर्न यूएसए एंड मैक्सिको की, लेकिन ये अक्रॉस द ग्लोब फाउंड की जा सकती है और इंडिया के अंदर भी ये एक्जोटिक एनिमल की ट्रेड के से ये इंडिया भी पहुंच चुकी है। इसके अलावा जो इंडिया में है वो इंडिजिनस जो टर्टल है एज अ पैट्स के रूप में प्रोविट है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, लेकिन आप जो फॉरन ब्रीड्स होती है उसको आप पाल सकते हैं एज अ पैट्स। तो कई फैमिलीज अक्रॉस द इंडिया इनको पैट्स के रूप में पालती हैं। और इसके अलावा जो स्पीसीज है स्प्रेड हो चुकी है अक्रॉस मैनी इंडियन स्टेट्स, जो कि खतरा बन चुकी है जो नेटिव स्पीसीज हैं हमारी, जैसे कि जिसमें सॉफ्ट सेल टर्टल्स हार्ड सेल टर्टल्स शामिल हैं। इसके अलावा जो स्पीसीज है ये कंसिडर हो रही है वन ऑफ द वर्ल्ड्स 100 वर्स्ट इन्वेसिव नॉन नेटिव स्पीसीज के रूप में। इसके अलावा अदर फैक्ट्स देख लेते हैं इसमें। इन्वेसिव स्पीसीज वह स्पीसीज होती हैं जो कि वहाँ की इस स्थान की नेटिव नहीं होती और जो वहाँ की इकोलॉजी एंड इकोनॉमी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं। इन्वेसिव स्पीसीज जो होती हैं वो फास्टिंग ग्रोइंग होती हैं, जिसके कारण जो लोकल जो स्पीसीज होती हैं उनके लिए वे खतरा बन जाती हैं, उनको नेगेटिव रूप से इम्पैक्ट करती हैं। इसके अलावा एक कैच 22 सिचुएशन होती है जो पीपल हैं जो टर्टल को पैट्स के रूप में पालते हैं तो वह काफ़ी सेंसिटिव होते हैं टर्टल के कंजर्वेशन के लिए, लेकिन वे अननोइंगली क्या कर देते हैं कि उनको रिलीज़ कर देते हैं लोकल इकोसिस्टम में, जैसे कि वे नेचुरल वाटर बॉडीज़ में उनको छोड़ देंगे या घर में एक्वेरियम टैंक या पूल में उनको उनके लिए कंडीशंस ग्रोइंग की कंडीशंस बना देते हैं, जिससे वे नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है जो लोकल स्पीसीज होती हैं उनको। इसके अलावा जो इम्पैक्ट कर सकता है ये ह्यूमन हेल्थ को, ये इम्पैक्ट कैसे करेगा, जो स्पीसीज है एक्युमुलेट करेगा टॉक्सिन्स जो कि आगे चलकर फूड चेन में शामिल हो सकते हैं ह्यूमन की। इसके अलावा जो इससे संबंधित कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी है जो कि 2000 में आया था। ये जो प्रोटोकॉल है कोशिश करता है कि जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होती हैं वह बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए पोटेंशियल जो रिस्क हो सकते हैं लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म उनको रोका जा सके, उनसे प्रोटेक्ट किया जा सके। सेकेंड जो इसके लिए है वह है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वह भी इन्वेसिव स्पीसीज की बात करती है। ये जो CBD है वह 1992 के
अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में आया था। ये जो कन्वेंशन है वो रिकॉग्नाइज करती है बायोलॉजिकल इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज ऑफ प्लांट्स के बारे में, और इसने ये भी कहा है कि ये सेकेंड वर्स्ट थ्रेट है टू द एनवायरनमेंट एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के लिए। इसके अंतर्गत जो आर्टिकल 8 सब क्लॉज एच है वह ये बात करता है कि जो पार्टीज हैं वो प्रिवेंट करें, अपने यहाँ पर कंट्रोल करें एलियन स्पीसीज को जो कि थ्रेटन बन चुके हैं इकोसिस्टम हैबिटेट्स और स्पीसीज के लिए। इसके अलावा जो CBT था वह 1992 में आया था। 1992 में ये तीन एग्रीमेंट हुए थे जिसमें से UN CBT था, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सेकेंड था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क और क्लाइमेट चेंज, देन थर्ड था यूनाइटेड नेशन कॉम्बैक्ट एंड कंजर्वेशन कॉम्बैक्ट टू डेजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कॉम्बैक्ट टू डेजर्टिफिकेशन, ये तीन तरीके के एग्रीमेंट इसके अंतर्गत आए थे। साथ ही साथ इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आए थे इस एग्रीमेंट में, डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें तो इसमें आया था रियो डिक्लेरेशन, एक डॉक्यूमेंट आया था रियो डिक्लेरेशन, सेकंड इसमें आया था एजेंडा 21 डॉक्यूमेंट, देन इसमें आया था फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, ये तीन डॉक्यूमेंट 1992 की जो अर्थ सबमिट हुई थी उसके अंतर्गत ये आए थे। इसके बाद देख लेते हैं अदर कोई सबमिट्स हैं या जो स्पीसीज कन्वेंशंस हैं वो इन्वेसिव स्पीसीज के बारे में किस तरीके से बात करती हैं। जो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज जिसको हम बोन कन्वेंशन 1979 के बारे में के रूप में जानते हैं, ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो कि कंजर्व करती है टेरेस्ट्रियल मैरीन एंड एवियन माइग्रेटरी स्पीसीज को थ्रू आउट देयर रेंजेस, और ये कंट्रोल करती है एलिमिनेट जो कि अभी प्रेजेंट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं इन्वेसिव एलियन स्पीसीज उनको कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा है जिसको हम साइट्स के नाम से जानते हैं, ये आया था 1973 में और अडॉप्ट किया गया कंट्री के द्वारा 1975 में। ये जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है स्पेसिफिन की वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स की वह उनके सर्वाइवल पर खतरा तो नहीं बन रहे इसके बारे में देखता है। इसमें तीन अपेंडिक्स हैं जिसमें अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 एंड अपेंडिक्स 3। अपेंडिक्स 1 में वह स्पीसीज होती हैं जो कि थ्रेटन्ड हैं और उनका अगर इसी तरीके से ट्रेड चलता रहा तो वह एक तरीके से एक्सटेंट हो जाएंगी और जिनको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अपेंडिक्स सेकंड में जो स्पीसीज अभी थ्रेटन्ड नहीं है लेकिन इस तरीके से ही उनका ट्रेड चलता रहा तो वह थ्रेटन हो सकती हैं। अपेंडिक्स 3 में क्या होता है कि किसी कंट्री में जैसे किसी स्पीसीज को थ्रेट है तो वह कंट्री ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए दूसरी कंट्री से रिक्वेस्ट कर सकती है। इसके अलावा रामसर कन्वेंशन है जो कि 1971 में आया था। ये रामसर कन्वेंशन वेटलैंड और जो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस होते हैं वेटलैंड्स उनके प्रोटेक्शन के बारे में, उनके कंजर्वेशन के बारे में, उनके सस्टेनेबल यूज के बारे में बात करता है। ये एड्रेस करता है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ द इन्वेसिव स्पीसीज को ऑन वेटलैंड्स, जो वेटलैंड्स के जो प्रभाव होते हैं, जो इन्वेसिव स्पीसीज के जो प्रभाव होते हैं वेटलैंड्स पर उसके बारे में ये बात करता है। इसके अलावा ये एक मेथड सजेस्ट करता है फॉर कंट्रोल एंड सॉल्यूशन फॉर कॉम्बेटिंग इन्वेसिव स्पीसीज के लिए। तो ये जो एग्रीमेंट है वह भी इन्वेसिव स्पीसीज के बारे में बात करते हैं उसके बारे में हमने देखा। इसके बाद बात कर लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान के बारे में। इसमें आपके सामने दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि यह इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का फॉर एक्सलेट द कंट्रीज प्रोग्रेस टूवर्ड्स द TB एलिमिनेशन बाय 2030। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो निक्षय मित्र इनिशिएटिव है फॉर TB ट्रीटमेंट किसके लिए, टू इंश्योर करता है ये एडिशनल डायग्नोस्टिक न्यूट्रिशनल एंड वोकेशनल सपोर्ट को, निक्षय मित्र इनिशिएटिव। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है
वह बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि एलिमिनेट करना है टीवी को 2030 तक, यह एलिमिनेट करना है 2030 तक नहीं बल्कि 2025 तक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह टू ओनली हो जाएगा, क्योंकि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में अदर फैक्ट्स। ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, जो एक्सेलरेट करता है कंट्री की प्रोग्रेस टूवर्ड्स द टीबी एलिमिनेशन बाय 2025। ये प्रोवाइड कराता है एडिशनल पेशेंट सपोर्ट टू इम्प्रूव द ट्रीटमेंट ऑफ आउटकम ऑफ टीबी पेशेंट्स के लिए। साथ ही साथ ये कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट भी करता है इसके अंतर्गत फॉर टीबी की एलिमिनेशन करने के लिए बाय 2025। साथ ही ये कॉर्पोरेट सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके द्वारा भी इस एक्टिविटी में सहायता करने के लिए इसका एक ऑब्जेक्टिव है। जो CSR एक्टिविटी के बारे में देखें, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, ये कंपनी एक्ट 2013 में आया था। इसमें क्या होता है कि कंपनीज को 2% अपने जो नेट प्रॉफिट है प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर का, उसका सोशल एक्टिविटी में कुछ 2% उनको कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। तो प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर का 2% नेट प्रॉफिट के 2% का उन्हें कंट्रीब्यूट करना पड़ता है सोशल प्रॉब्लम्स के लिए। इसके अलावा इसके कंपोनेंट्स की बात कर लें तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के कुछ कंपोनेंट्स हैं, जिसमें निक्षय मित्र इनिशिएटिव की बात की गई है, जो कि टीबी ट्रीटमेंट के लिए इंश्योर करता है एडिशनल डायग्नोस्टिक न्यूट्रिशनल एंड वोकेशनल सपोर्ट को। इसके अलावा निक्षय मित्र एक डोनर के रूप में है, जिसमें गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से प्रयास कर रही है टीबी को एलिमिनेट करने के लिए, लेकिन इंडिविजुअल डोनर भी इसमें सहायता दे सकते हैं एट द ब्लॉक लेवल, अर्बन वार्ड्स, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट्स के लेवल पर भी फॉर द एक्सलेटिंग द रिस्पॉन्स अगेंस्ट द टीबी। इसके अलावा निक्षय डिजिटल पोर्टल भी बनाया गया है, जिसके अंतर्गत ये प्लेटफॉर्म है फॉर अ कम्युनिटी सपोर्ट, मतलब सभी कम्युनिटी मिलकर अब पर्सन को मतलब टीबी के उपचार के लिए सहायता करें। इसके बाद ग्लोबल एफर्ट की बात कर लें तो WHO ने लॉन्च किया है जॉइंट इनिशिएटिव फाइंड ट्रीट ऑल #NTB विद द ग्लोबल फंड एंड स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के साथ। इसके अलावा WHO ने रिलीज़ की है ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट। इंडिया के एफर्ट के बारे में देख लेते हैं। इंडिया ने नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम चलाया है, जो कि स्ट्रेंथन करता है गोल फॉर एंड टीबी एपिडेमिक बाय 2025, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं हमारे 2030, उससे पहले मींस 5 ईयर प्रायर 2025 में भारत टीवी के एलिमिनेशन के लिए कमिटेड है। इसके अलावा जो नेशनल स्ट्रेटजिक प्लान फॉर ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन आया था 2017 से 2025 के लिए। इसके अलावा द निक्षय इकोसिस्टम है, नेशनल टीवी इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बोला जाता है इसे, निक्षय इकोसिस्टम। निक्षय पोषण योजना है जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट करती है। इसके अलावा एक कैंपेन चल रहा है टीवी हारेगा देश जीतेगा। आयुष्मान जो भारत स्कीम डिजिटल हेल्थ मिशन जो चल रहा है उसके अंतर्गत भी इनको फोकस किया जा रहा है टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए इनकी क्रिएट की जाए हेल्थ आईडी टीबी पेशेंट्स की अंडर द आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत, जिससे उनका इंश्योर किया जा सके प्रॉपर डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट को। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि इंडिया SDI का स्कोर है वो किस कैटेगरी में आता है, वह आता है ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो 70% ऑफ द कंट्री ने विटनेस किया है डिक्लाइनिंग ऑफ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एंड थर्ड में कहा गया है कि 85% ऑफ द कंट्री ने डिक्लाइन किया है इन द इनकम। तो इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। इसमें चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो तीनों स्टेटमेंट हैं वह करेक्ट हैं। इंडिया की जो इसमें कैटेगरी है स्कोर के हिसाब से वह है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी। इसके बारे में अदर फैक्ट्स भी देख लेते हैं। इंडिया ने अभी जो रिपोर्ट जो रिलीज हुई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, इंडिया ने रैंक
पोजीशन हासिल की है 132, किस कितनी कंट्री में से, 191 कंट्रीज में से, जो कि पिछली बार से डिक्लाइनिंग है। की हाइलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो ग्लोबल डिक्लाइनिंग है 2020 के बारे में, जिसमें 70% ऑफ द कंट्रीज ने विटनेस किया है डिक्लाइनिंग द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, 85% ऑफ कंट्री ने रिकॉर्ड किया है डिक्लाइनिंग इन इनकम्स, एंड जो एचडीआई की बात करें तो 90% ऑफ द कंट्री ने रिडक्शन किया है इन देयर वैल्यू ऑफ द एचडीआई वैल्यू सिंस 2020 और 2021 में, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि हमें 2030 तक अचीव करने हैं उसके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। जो एचडीआई 2021 की बात करें तो इंडिया ने जो स्कोर किया है 0.633 स्कोर किया है, जो कि पिछली बार से लोअर है और जो कि वर्ल्ड का जो एवरेज है 0.732 उससे भी काफ़ी कम है। ये डिक्लाइन का एक प्राइमरी रीज़न ये हो सकता है कि कोविड-19, यूक्रेन वार, साथ ही साथ कई तरीके के एनवायरमेंटल चैलेंज। अगर हम कैटेगरी की बात करें तो इंडिया की जो कैटेगरी है इसके स्कोर के हिसाब से वह कैटेगरी है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी। इसके बारे में अदर फैक्ट देख लेते हैं। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो 2/3 ऑफ द जो कंट्री हैं उन्होंने रिडक्शन देखा है एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ में। इंडिया की अगर बात कर लें तो इंडिया भी जो डाउन हुआ है, पहले था हमारा 69.7 जो कि 2019 में, जो कि 2021 में कितना हो गया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 67.2%। इसके अलावा एचडीआई जो कंपोजिट इंडेक्स है, ये 4 इंडिकेटर्स हैं इसके अंतर्गत, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। इसमें जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये एसडीजी, ये जो है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये एसडीजी 3rd जो है हमारा गुड हेल्थ एंड वेलबींग को उसको पाने का प्रयास करता है, और जो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग है एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है, ये क्वालिटी एजुकेशन जो कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 4 उसको पाने का प्रयास करता है, एंड जो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा है ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 8, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि डिसेंट वर्क्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये था हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बारे में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में ये ग्राफ भी देख लेते हैं। ये लगातार 2011 से 2021 के बीच का ये ग्राफ दिया गया है, और इसमें जो इस बार का हमारा था 0.633 जो कि पिछली बार था 0.645, तो ये लगातार इस तरीके से बढ़ता जा रहा था, लेकिन यहाँ पर 2020 में के बाद ये इसमें डिक्लाइन आया। तो इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है कि लगातार बढ़ता रहा है या मतलब किस तरीके का ट्रेंड रहा है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। ये लगातार इंक्रीज नहीं हुआ, ये अभी हाल ही में 2020 से 2021 तक ये डिक्रीज हुआ है 0.633 तक, कहाँ से, 0.645 से। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बारे में। ये PYQ है जो कि 2018 में पूछा गया था। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट कहा गया है कि ये इसके अंतर्गत जो कैटेगरी में आती हैं वो BPL फैमिली आती हैं ओनली, जो कि सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स के लिए एलिजिबल होती हैं। इसमें जो परिवार की जो एल्डेस्ट वुमेन होती हैं या जिनकी 18 ईयर्स से ऊपर की जो वुमेन होती हैं उनके लिए, वह हेड ऑफ़ द हाउस होल्ड होती हैं फॉर द इशुएंस ऑफ राशन कार्ड के लिए। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर हैं वो एंटाइटल होती हैं टेक होम राशन फॉर 1600 कैलोरी पर डे ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी एंड 6 मंथ्स देयर आफ्टर। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है वह करेक्ट है, जबकि फर्स्ट एंड जो थर्ड स्टेटमेंट है वह इनकरेक्ट है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है सी। आइए देख लेते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में अदर फैक्ट्स। ये जो इशू द फूड सिक्योरिटी, गवर्नमेंट ने कई सारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चला रखे हैं, जिसके अंतर्गत नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इनेक्ट किया गया July 5, 2013 में, जो कि एक ड्रास्टिक चेंज था किसके लिए, कि लोगों के जो वेलफेयर जो राइट्स थे उनको उनकी राइट बेस्ड अप्रोच बनाने के लिए।
ये इसके सैलियंट फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में, ये कवरेज करता है एंटाइटल अंडर द टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत अप टू द 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन। इसके अलावा ये टारगेट करता है TPDS के तहत यूनिफॉर्म जो इंटाइटलमेंट है कितना देना है, 5 किलोग्राम पर पर्सन पर मंथ। तो ये कवर कर रहा है 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन और कितना देना है, 5 किलोग्राम पर पर्सन पर मंथ। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर होती है और चिल्ड्रन जो एज है 6 मंथ टू द 14 ईयर, ये भी इंटाइटल हैं किसके लिए, प्रिस्क्राइब न्यूट्रिशन नॉर्म्स अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस जो 1975 से चल रही है एंड अंडर द मिड डे मील स्कीम जिसको अभी पोषण PM पोषण अभियान के रूप में शामिल किया गया है। इसको हायर न्यूट्रिशनल जो नॉर्म्स हैं उसको करता है प्रिस्क्राइब करता है माल न्यूरिश चिल्ड्रन के लिए अप टू द 6 ईयर ऑफ द एज। इसके अलावा अदर फैक्ट्स देख लेते हैं। जो प्रेग्नेंट वूमेन है एंड लैक्टेटिंग जो मदर है वो इंटाइटल है रिसीव द मैटरनिटी बेनिफिट कितना, 6000 रुपीज़। ठीक है, इसके अलावा जो इम्प्लीमेंटेशन है नेशनल फूड सिक्योरिटी का, ये 3 टाइप्स ऑफ राशन कार्ड इशू किए जाते थे किससे, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आने से पहले। उसमें कौन कौन से थे, एवर पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अतोदय योजना राशन कार्ड, इस तरीके के, और उनके क्या डिफरेंट कलर होते थे जिससे उनकी आसानी से पहचान किया जा सके। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 APL एंड बिलो पॉवर्टी लाइन का जो ग्रुप है इसको रिक्लासीफाइड किया गया है इंटू 2 कैटेगरीज, और वो 2 कैटेगरीज कौन सी हैं, नॉन प्रायोरिटी एंड प्रायोरिटी। इसके बारे में अदर देख लेते हैं। जो एल्डेस्ट वुमेन होती है परिवार की, हाउस होल्ड की, और जो 18 ईयर की जो एबव जो महिलाएं होती हैं वो हेड ऑफ द हाउस होल्ड कंसिडर की जाती हैं फॉर द इशूइंग ऑफ राशन कार्ड। एंड जो प्रेग्नेंट वुमेन की जो इसमें बात की गई है, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर के लिए वह इंटाइटल होती है फूड सप्लीमेंट कितना, 1600 नहीं बल्कि 600 कैलोरी ऑफ एनर्जी, 18 to 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड फूड एंड एनर्जी डेंस फूड, ये अपने होम राशन के साथ ले जा सकती हैं। ये था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें पर्शियन गल्फ की बात की गई है जो कि बाउंड्री कंट्री के बारे में कहता है। इसमें आपको बताना है कि पर्शियन गल्फ से किस किन कंट्री की बाउंड्री लगती है। तो इसमें बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत एंड ओमान, इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है इनके कोड की सहायता से। तो देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो सारी कंट्री हैं बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत एंड ओमान, ये पांचों ही कंट्री पर्शियन गल्फ से लगती हैं। टोटल 8 कंट्री पर्शियन गल्फ को टच करती हैं जिसमें से 5 ये हैं। इसके बारे में अदर फैक्ट्स और देख लेते हैं। ये पर्शियन गल्फ जो रीजन है ये 8 कंट्री को की बाउंड्री इससे लगती है जिसमें आपकी बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं। ये जो ऑल 8 कंट्रीज़ हैं ये मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के। इसके अलावा जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत, ये मेंबर हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। मींस इसमें अगर आप ईरान एंड इराक को छोड़ देंगे तो ये सारे जो मेंबर हैं गल्फ कोऑपरेशन ऑफ काउंसिल के। इसके अलावा जो गल्फ कंट्रीज़ में देखेंगे तो इराक, ईरान, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड सऊदी अरब हैं ये मेंबर हैं ओपेक के भी। ये जो इनके जो मेजर प्रोड्यूसर हैं क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस के, तो इनके जो कॉमन इंटरेस्ट हैं और ये कॉमनिटी ऑफ इंटरेस्ट इनको ये प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंटेंगलमेंट इनके बीच में करता है। इसके बाद देख लेते हैं कि इसकी जो रिमेंबरिंग जो कंट्रीज़ हैं बाउंड्रिंग कंट्री हैं उनके बारे में। इसमें देखिए इसको हम एक ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं, क्यू बॉक्स प्लस आई प्लस आई। देखिए क्यू से क्या हो जाएगा, कतर, यू से हो जाएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बी से हो जाएगा आपका बहरीन एंड ओ से हो जाएगा आपका ओमान, के से हो जाएगा आपका कुवैत एंड एस से हो जाएगा सऊदी अरब
एंड आई से आपका एक आई से ईरान, एक आई से इराक। तो इस तरीके से आप जो 8 कंट्री हैं इसकी बाउंड्रिंग कंट्री उसको आप रिमेंबर रख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रिक। ये था आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन जिसमें हम आज अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश किया गया था 19 दिसंबर 1966 को। जो ADB के जो अभी मेंबर हैं 68 मेंबर ऑल फ्रॉम द एशिया, और जो इंडिया होल्ड करता है 4th लार्जेस्ट शेयर इन इट। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट और जो थर्ड स्टेटमेंट है वह करेक्ट हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है वह रॉन्ग है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। ये इस्टेब्लिश किया गया था 19 दिसंबर 1966 में। इसका जो हेड ऑफिस है मनीला फिलीपींस में है। इंडिया जो था इसका फाउंडिंग मेंबर था एशियन डेवलपमेंट बैंक का। इंडिया ने जो ADB से असिस्टेंस लेना स्टार्ट किया 1986 से लेना शुरू किया। और जो इसका ADB का जो गोल है वह है सोशल डेवलपमेंट बाय रिड्यूसिंग पॉवर्टी इन द एशिया पैसिफिक रीजन विथ इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ एंड रीजनल इंटीग्रेशन के साथ। ADB में अभी 68 मेंबर कंट्री हैं जिसमें 49 फ्रॉम द विथिन एशिया, बाकी अदर कंट्री हैं। इसके अलावा जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी अपॉइंट किया है जो हमारे पूर्व इलेक्शन कमिश्नर थे अशोक लवासा जी, उनको वाइस प्रेसिडेंट एज अ फॉर अ प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशन एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए। इसके अलावा जो जापान इसमें सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर है जिसका शेयर है इसमें 15.677%, जिसके बाद USA, देन चाइना, और इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर है इन एशियन डेवलपमेंट बैंक में। इसके अलावा जो 6 सेक्टर्स हैं इंडिया में ADB की प्रेजेंस देखी जा सकती है वह कौन कौन से सेक्टर हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, वाटर एंड अर्बन सर्विसेज में, फाइनेंशियल एंड पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ADB की जो 68 कंट्रीज़ हैं उनकी आप मैप पर ये लोकेशन देख सकते हैं जिसमें आपका हमारा प्यारा भारत भी शामिल है। तो ये था हमारा 9 सितंबर का सेशन। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक GS Academy। थैंक यू।